एक महीने की छुट्टी पर अर्जुन अपने गृह शहर पटना आया था। भारतीय सेना का वो एक जांबाज सिपाही था और उसकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी। संयुक्त परिवार वाला उसका घर, जिसमें पत्नी, दो बेटियां, बूढ़ी मां और छोटे भाई का परिवार रहता था। पिछले ही साल उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार, एक बड़ा आलिशान मकान और कुछ जमीन जायदाद छोड़कर गए थे। सभी उन्हीं के बनाए मकान में रहते थे। छोटा भाई वीरेंद्र पटना में ही एक सरकारी स्कूल का शिक्षक था और उसे एक बेटा और एक बेटी थी, विमला, अर्जुन की बड़ी बहन। उसका ससुराल पटना से थोड़ी ही दूर पर स्थित था। घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि छोटे भाई ने माँ के माध्यम से बंटवारे की खबर भिजवाई। पहले तो अर्जुन ने छोटे भाई को समझाने बुझाने का प्रयास किया कि अभी बंटवारा ना करे, पर जब वो नहीं माना तो कोई चारा ना बचा। फिर अर्जुन भी ठहरा हमेशा बाहर रहने वाला और बार बार घर नहीं आ सकता था। पीछे में उसके बीवी बच्चों को कोई दंश ना झेलना पड़े, ये सब सोचते हुए बंटवारे के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन बड़ी बहन विमला और उसका पति एक वकील को लेकर घर आ पहुंचे। सब कुछ पहले से ही तय था। वकील ने पूरे परिवार के सामने माँ के द्वारा तैयार कराया हुआ वसीयतनामा पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार था। चूंकि अर्जुन की केवल दो बेटियां हैं, वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, कई सरकारी नौकरी की परीक्षा दे चुकी हैं और जल्द ही कहीं ना कहीं चुन ली जाएंगी। फिर अर्जुन के ऊपर बेटियों की शादी के अलावा और कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं है, इसलिए खाली पड़ी 1000 स्क्वायर फीट की जमीन बड़े बेटे अर्जुन के नाम की जाती है। छोटे बेटे वीरेंद्र के नाम ये 1500 स्क्वायर फीट का मकान किया जाता है। कारण, उसका एक बेटा है जो परिवार का वंश आगे बढ़ाएगा। फिर अपनी माँ की बीमारी, अर्जुन के बीवी बच्चों सहित पूरे परिवार में कुछ भी ऊंच नीच होने पर इस शहर में वीरेंद्र के अलावा उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं। माँ सुशीला देवी के नाम 500 स्क्वायर फीट की जमीन की जाती है, जिसे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने छोटे बेटे वीरेंद्र के नाम कर दिया है। इस अन्यायपूर्ण बंटवारे को सुन अर्जुन की भौंहें तन गईं, पर उसकी पत्नी आशा ने अपने पति को धैर्य न खोकर शांत रहने का इशारा किया। पास बैठी अर्जुन की बड़ी बहन विमला ने उसके भीतर चल रहे द्वंद को भांप लिया। सबों के सामने तनकर वो बोली, अगर इस वसीयत से किसी को कोई शिकायत है तो मायके में हो रहे इस बंटवारे में मैं भी बराबर की कानूनन हकदार हूं। विमला की बातों पर हां में हां मिलाते हुए उसके पति ने अपने दोनों सालों वीरेंद्र और अर्जुन से उनकी राय मांगी। मां के समीप बैठे वीरेंद्र ने तो तपाक से अपनी सहमति दे डाली, पर जब अर्जुन से उसकी सहमति मांगी गई तो उससे ना तो कुछ बोलते बन पड़ रहा था और ना ही ये बात मन में दबाकर रखने वाली थी। उसने कुछ समय मांगा और उठकर अपने कमरे में आ गया। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ उसी परिवार में हो रहा ये अन्यायपूर्ण बंटवारा, सब तो अपने थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन के दिमाग में ये सारी बातें घूमती रहीं। पत्नी आशा ने कोई भी कदम बहुत संभाल कर उठाने की सलाह दी, क्योंकि सामने अपना ही परिवार खड़ा था। अर्जुन भारी उधेड़बुन में था। कभी तो मन करता कि इस अन्यायपूर्ण बंटवारे के खिलाफ कोर्ट की शरण में चला जाए। इसी उपापोह में छुट्टी भी खत्म होने को आई। अपनी छुट्टी के कुछ दिन और बढ़ाने का फैसला कर अर्जुन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को फोन लगाकर छुट्टी बढ़ाने की बात बताई। अर्जुन का अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ बड़ा ही आत्मीय संबंध था। अर्जुन की आवाज सुनकर ही उन्होंने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा जोर देकर पूछने पर अर्जुन ने फोन पर सारी बात बताई तो कमांडिंग ऑफिसर ने उसे समझाया कि कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और अगर संपत्ति किसी तरीके से मिल भी गई तो रिश्ते वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए बंटवारे में जो भी मिल रहा है उसे मां का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। कमांडिंग ऑफिसर की बातें अर्जुन के दिमाग में छप गईं और उसने वैसा ही किया। थोड़ा सा कम लेकर भी उसने जिस सबूरी और संतुष्टि को पाया था वो किसी दौलत से कम ना थी। आज अर्जुन रिटायर हो चुका है। बंटवारे में मिले उसी 1000 स्क्वायर फीट की जमीन के टुकड़े पर घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ बाकी बची जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। दोनों बेटियां भी सिविल सेवा पास कर बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं। छोटे भाई वीरेंद्र का बेटा अब विदेश में रहता है और शादी करके उसने वहीं की नागरिकता हासिल कर ली। वहीं बेटी के हाथ पीले होने के बाद वो भी अपने पति के साथ दूसरे शहर में जा बसी और कभी कभार ही मिलना हो पाता है। माँ अब अर्जुन के साथ ही रहती है। बड़ी बहन विमला का वीरेंद्र के साथ कहासुनी होने के बाद आना जाना बंद है
और मायके के नाम पर केवल अर्जुन और उसका परिवार ही रह गया है। अर्जुन की पत्नी आशा अब भी पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखने का कोई भी प्रयास अपने हाथों से जाने नहीं देती। खाली समय में अर्जुन अब भी यही सोचा करता है, ये जो कुछ भी है वो मां का प्रसाद ही तो है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।